मोदी सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले कई बड़े तोहफों का ऐलान किया। देश के हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना का ऐलान किया है। सबसे पहले लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी हवाई अड्डों को चुना गया है, जिनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इन 3 हवाई अड्डों पर सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को बिल्कुल उसको अपग्रेड कर करके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लिए फैसला किया है। हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के अलावा सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने गन्ने पर 5.5 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के ऊपर गन्ना किसानों के बकाया का बोझ कम होगा। गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स का निर्माण किया जा रहा है और सरकारी मेडिकल कॉलेज को बेहतर बनाया जा रहा है।